अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं तलूत आर्ट्स के प्रोग्राम ईवी बाइक्स में, और मेरे पास इस वक्त मौजूद है टेल जी हाई स्पीड RMI 300। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका जो स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर है उसकी जीपीएस के साथ जो एक्यूरेसी है वो टेस्ट करेंगे। तो इसको मैंने फुल चार्ज कर लिया है, ग्रीन लाइट यहाँ पे आ चुकी है चार्जर के ऊपर, और यहाँ पे इसकी रीडिंग एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कितना चल चुका है। 60 वोल्ट, मतलब कि 5 बैटरी इसका पैक इसके अंदर मौजूद है। 281 किलोमीटर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चल चुका है। यहाँ पे ट्रिप मीटर आ चुका है, तो ट्रिप मीटर के ऊपर हम इसका ऑडोमीटर की टेस्टिंग करेंगे, जबकि यहाँ पे स्पीडोमीटर है और इसकी भी जीपीएस के साथ एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे। तो बाहर चलते हैं और अपना टेस्ट जो है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जी हमारा ये एप्लीकेशन आ गई है, इसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ और इसको भी ऑन कर देते हैं। तो हम अपना जो टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। मोड में इसका 3 कर किया हुआ है ताकि हम मैक्सिमम स्पीड को टच कर सकें। फोर्टी फाइव कंपनी क्लेम जो है वो 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कंपनी क्लेम है, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 45 के ऊपर जो मीटर है वो स्टक है, उससे ऊपर नहीं जा सकता, जबकि हमें जीपीएस के ऊपर 42 की स्पीड मिल चुकी है, 42, 43 की स्पीड आ चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त। यानी कि सिर्फ 2 पॉइंट का डिफरेंस है। अभी हम मज़ीद चलते हैं, मे बी के कोई थोड़ा सा इसके अंदर और एक्यूरेसी आ जाए। 2 पॉइंट का फ़र्क है यहाँ पे। तो जैसा कि आपको पता है कि स्पीड जीपीएस के अंदर और ऑन रोड स्पीड के अंदर तकरीबन 10% का जो डिफरेंस है वो उसको कहा जा सकता है कि वो ठीक है। हम मोटरवे के ऊपर भी जब कार वगैरह चला रहे होते हैं तो हमें वहाँ पे, हम अगर 100 की स्पीड में जीपीएस पे जा रहे हैं तो हमारा जो स्पीडोमीटर होता है वो ऑलमोस्ट 100+ ही चल रहा होता है। तो ये एक इसका जो टेस्ट था, जो कि एक्यूरेसी थी टेस्टिंग के लिए, वो बड़ा ही ज़बरदस्त रहा स्पीडोमीटर का। अभी हम इसके ऑडोमीटर की एक्यूरेसी देख लेते हैं। नीचे आप देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर हो चुका है और इधर भी 1.25 किलोमीटर। तो इसको हम 10 किलोमीटर चलाते हैं, तो 10 किलोमीटर के बाद आपको इसकी जो एक्यूरेसी है हमें वो नज़र आएगी। एक्यूरेसी से मतलब ये है कि अगर हम चलते हैं 100 किलोमीटर तो हमें ऑडोमीटर के ऊपर या ट्रिप मीटर के ऊपर कितने किलोमीटर शो करता है। तो رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان
चलें जी, 9 किलोमीटर सामने शो होना शुरू हो गए हैं और जैसे ही ये 10 होंगे मैं फ़ौरी तौर पे ब्रेक लगा दूंगा। मैं अभी स्पीड थोड़ी स्लो कर रहा हूँ, 43 GPS और 45 स्पीडोमीटर के ऊपर मुसलसल हमने स्पीड रखी है 10 किलोमीटर की। यहाँ पे हम 7.9 रीडिंग आई है, 7.9। तो इसके अंदर आप 100 किलोमीटर अगर आप अपने ट्रिप मीटर पे चलते हैं तो इसका मतलब ये है कि 79 किलोमीटर बनते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो कंपनी से यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी जो, मैं थोड़ा चलाना शुरू कर देता हूँ, मैं बात भी करता हूँ। तो हम यहाँ पे कंपनी से रिक्वेस्ट करेंगे, टेल जी जो कंपनी है वो चाइना के अंदर टॉप 3 में शामिल है, बहुत बड़ी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कंपनी है। इनके बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल हैं, एक इनका यूनिवर्स मॉडल है और अगर वो पाकिस्तान में हों तो मैं सबसे पहले वो परचेज़ करने वाला हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि हम कंपनी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी जो एक्यूरेसी है ख़ास तौर पर ट्रिप मीटर की, जो स्पीडोमीटर की है वो तो ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त है, जो ट्रिप मीटर की है उसको, उसकी एक्यूरेसी को ठीक किया जाए। किसी भी तरीके से ये काम किया जा सकता है और ये बहुत ही आसान है। तो यही रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि 21 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है 100 किलोमीटर के पीछे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि बहुत जल्द आने वाले वक्तों में इस तरह की जो टेस्टिंग है वो होती रहे। शुक्रिया।